जयपुर में भाजपा के विरोध प्रदर्शन में सांसद सहित कई कार्यकर्ता घायल। जी हाँ, प्रदेश की अशोक गहलोत सरकार के खिलाफ भाजपा की ओर से महिला आक्रोश आंदोलन के तहत जयपुर में थाली बजाकर महिलाओं ने विरोध प्रदर्शन किया। इसमें भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी के साथ राजसमंद सांसद दिया कुमारी, भाजपा महिला मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष अलका मुंद्रा सहित कई पदाधिकारी कार्यकर्ता इसमें शामिल हुए। भाजपा कार्यकर्ता पदाधिकारी खासतौर से महिला कार्यकर्ताओं ने प्रदेश की गहलोत सरकार के खिलाफ जमकर विरोध प्रदर्शन किया, थाली बजाकर आक्रोश जताया। इसके बाद में महिला कार्यकर्ता जब सीएमओ ऑफिस घेरने के लिए वे आगे बढ़ी तो सीएमआर की तरफ सिविल लाइंस फाटक पर पुलिस ने उन्हें रोक लिया बैरिकेड लगाकर, और उसी दौरान महिलाओं और पुलिस के बीच में धक्का मुक्की हुई। इस धक्का मुक्की के दौरान भरतपुर सांसद रंजीता, भाजपा महिला मोर्चा प्रदेशाध्यक्ष अलका मुंद्रा सहित कई कार्यकर्ताएं नीचे गिर गई और वे चोटिल भी होना बताया जा रहा है। बाद में उन्हें स्ट्रक्चर पर लिटाकर अस्पताल ले जाया गया। एसएमएस अस्पताल में उनका फिलहाल उपचार जारी है। इस घटनाक्रम को लेकर भाजपा द्वारा ये कहा गया कि प्रदेश में गहलोत सरकार द्वारा महिलाओं की आवाज़ दबाने का प्रयास किया जा रहा है। प्रदेश में कानून नाम की कोई चीज़ नहीं रही है और गहलोत सरकार द्वारा प्रदेश में लगातार आम लोगों पर तानाशाही की जा रही है, जिसे अब जनता बर्दाश्त नहीं करेगी। आपको बता दें कि इसी साल प्रदेश में विधानसभा चुनाव होने वाले हैं और इसी को लेकर भाजपा हो या कांग्रेस, दोनों ही तरफ से ज़मीनी स्तर पर अपनी मजबूती के लिए या जनता तक अपनी आवाज़ पहुंचाने के लिए प्रयास कर रहे हैं। और इसी सिलसिले में भाजपा का यह महिला आक्रोश आंदोलन था और इसके तहत थाली बजाकर जयपुर में जन आक्रोश व्यक्त किया। और इसी दौरान यह घटनाक्रम हुआ कि सिविल लाइंस फाटक के पास पुलिस द्वारा जब प्रदर्शनकारी महिलाओं को रोकने के प्रयास किए गए तब धक्का मुक्की हुई, और धक्का मुक्की में भरतपुर सांसद व भाजपा महिला मोर्चा प्रदेश अध्यक्ष अलका मुंद्रा सहित कुछ कार्यकर्ताएं नीचे गिर गई और चोटिल हो गई हैं। फिलहाल उन्हें एसएमएस अस्पताल में भर्ती कराया है। अब देखिए, जो स्ट्रक्चर पर लिटाकर इन महिलाओं को अस्पताल ले जा रही हैं वो भाजपा महिला मोर्चा की महिलाएं क्या कुछ बोलती हैं, उन्हीं से जानते हैं। क्या बात हुई थी बताएं? देखिए, हम पूरे प्रदेश के सभी महिलाएं, आप बोलिए, हम लोग पूरे प्रदेश से यहाँ पर महिला आक्रोश होकर यहाँ आई है। जिस प्रकार आपको पता है कि गहलोत सरकार ने किस तरह महिलाओं के साथ में दुष्कर्म कर रखा है, जी बहनों को डंडे मार के धक्का मार के बच्चे गिरा दिया है, उनके पैर में चोट आई है। यहाँ इमरजेंसी में आए, क्या बोला गया आपको? यहाँ हमको बोला कोई गाड़ी नहीं है और न हमारे पास वैन है, आप ट्रोमा में लेके जाइए। ट्रोमा में खींच के लेके आ गए। अब देखते हैं ट्रोमा की हालत क्या है। ये राजस्थान सरकार का हाल है। महिला आक्रोश आंदोलन के तहत एक जनसभा का आयोजन हुआ। इस जनसभा में भाजपा के प्रदेशाध्यक्ष सीपी जोशी क्या कुछ बोले, सुनिए आप उन्हीं की जुबानी। सबके नाम लेने होंगे, सभी नारी शक्ति को प्रणाम करते हुए और यह विशाल पांडाल में सभी मातृ शक्ति का आज जो रौद्र रूप में देख रहा हूँ, मैं जरूर कह सकता हूँ सिंहासन खाली करो, ये नारी शक्ति आने वाली है। ये गुंगी बारी सरकार को, इस नकारा और निकम्मी सरकार को ये जगाने का, जिस प्रकार का एक बड़ा आंदोलन आपने खड़ा किया है। अरे, एक तरफ तो नरेंद्र मोदी जी हैं जो कहते हैं कि बेटी हमारे लिए अभिशाप नहीं, बेटियां हमारे लिए अभिमान है, और इसको लेकर अनेक योजनाएं, बेटी बचाओ बेटी पढ़ाओ, चाहे हर महिला के मकान का प्रधानमंत्री आवास देना हो, हर घर में शौचालय देना हो, हर महिला को गैस का कनेक्शन देना हो, मुद्रा योजना में 70
प्रतिशत लोन नारी शक्ति को देना हो। एक तरफ वो सरकार है जो CRPF है और CISF है, पहली बार महिलाओं के लिए रास्ता खोल देती हो। एक तरफ वो सरकार है जो पहली बार सैनिक स्कूलों में आजादी के बाद पहली बार बेटियों का दाखिले का रास्ता भी खोलती हो। तो दूसरी तरफ वो सरकार है जहां राजस्थान में एक नहीं अनेक दुष्कर्म की घटनाएं, मीरा पल्ला पद्मावती कालीबाई और अमृता देवी जैसे गौरवशाली इतिहास के राजस्थान को सर्वसार अगर किसी ने किया है ये राजस्थान की अशोक गहलोत सरकार ने किया। और उस अशोक गहलोत सरकार को उखाड़ फेंकने के लिए ये विशाल आंदोलन आप लोगों ने उस सरकार को चटाने का किया है। और बड़ी शर्म की बात है कि जब प्रदेश का मुखिया ये कहता हो कि दुष्कर्म के 65% मामले फर्जी पाए जाते हैं, जब प्रदेश के मुखिया का प्रिय मंत्री ये कहता हो दुष्कर्म की घटनाओं को लेकर कि राजस्थान मर्दों का प्रदेश है, अरे मंत्री जी राजस्थान ऐसे मर्दों का प्रदेश नहीं है। राजस्थान तो उन मर्दों का प्रदेश रहा है जिन्होंने नारी की रक्षा के लिए अपने सर कलम करा दिए। आप कौन से मर्दों की बात कर रहे हो? ये इस प्रकार की बात आप लोगों के मुंह से शोभा नहीं देती। और मुझे दर्द इस बात का होता है जब एक दिव्यांग बच्ची को महिला को उठाकर जंगलों में दुष्कर्म हो जाता, एक मुकबदीर बहन के साथ दुष्कर्म हो जाता है, एक 9 साल की बच्ची के साथ दुष्कर्म होकर उसके गले कर दिए जाते हैं, एक पति के सामने एक पत्नी का रेप हो जाता है और उसका वीडियो वायरल कर दिया जाता है, कोई बच्चियां स्कूल जाती हैं तो उनके साथ वहां दुष्कर्म हो जाता है, कोई रोटी मांगने वाली बहन पैंडेमिक गौरव कोरोना महाकाल में उसको उठाकर उसके साथ दुष्कर्म हो जाता है, एम्बुलेंस में जा रही महिला के साथ दुष्कर्म हो जाता है, ICU वार्ड में दुष्कर्म हो जाता है, खेत में कोई महिला सुरक्षित नहीं है, ना सड़क पर कोई महिला सुरक्षित है। आज किसी महिला के शाश्वत लूट जाती है और वो जयपुर अगर किसी अधिकारी के पास जाती है कि मेरे साथ ये हुआ है तो भेड़िया वहां भी रिश्वत के रूप में अश्वत मांग लेता है, तब मन में गुस्सा आता है कि ऐसे भेड़ियों को वही कब्रगाह बना के गाड़ देना चाहिए। मैं आप लोगों को इतना जरूर विश्वास दिलाता हूं ये 4 महीने का संघर्ष हमारे सामने है और 4 महीने बाद आपको और हमारी सरकार भारतीय जनता पार्टी की सरकार आने के बाद ये मंच ये राजस्थान की मातृशक्ति को विश्वास दिलाता है कि अगर कोई नारी शक्ति के खिलाफ तिरछी नजरों से भी देखेगा तो ऐसी सजा मिलेगी कि उसकी 7 पीढ़ियों की रूह कांप जाएगी। आज जिस प्रदेश का एक गौरवशाली इतिहास मातृशक्ति के लिए रहा हो उस राजस्थान में हमारी माताओं बहनों को इस प्रकार का आंदोलन खड़ा करना पड़े। नारी टू नारायणी, और जब नारी अत्याचार के खिलाफ झंडा बुलंद कर देती है तो दुर्गा का रूप भी ले लेती है, तो काली का रूप भी ले लेती है। और इन अत्याचारों के नरसंहार के लिए आप जो पूरे प्रदेश से इतनी बड़ी संख्या में मातृशक्ति आए हैं, मैं उन सब के दर्द को समझते हुए ये जरूर विश्वास, मैंने जब आदरणीय विजेता इस कार्यक्रम को ले रही थी तब मैंने कहा कि ये मंच पे सिर्फ मातृशक्ति रहनी चाहिए, मंच का संचालन भी नारी शक्ति करेगी, उद्बोधन भी नारी शक्ति करेगी और इस आंदोलन का नेतृत्व भी नारी शक्ति करेगी। हम भाई आपके साथ आपकी व्यवस्था में लगे रहेंगे। मैं आभार प्रकट करता हूँ जयपुर शहर की भाई अनुराधा जी का, उमा जी का, आरती जी का, प्रदेश की सभी पदाधिकारियों का, मैं जयपुर की ओर की
नाम भूल गया, सभी का जन प्रतिनिधियों का और पूरे क्षेत्र से आई सभी नारी शक्ति के चरणों में वंदन करते हुए अभिनंदन करते हुए आपका यह आंदोलन इस राजस्थान से इस महिला विरोधी सरकार को उखाड़ फेंकने का एक वीर का पत्थर साबित होगा। मैं यही कहते हुए अपनी वाणी को विराम देता हूँ। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत। भाजपा महिला मोर्चा द्वारा महिला आक्रोश आंदोलन के तहत देखा किस तरह से जयपुर में थाली बजाकर महिलाओं ने प्रदर्शन किया। उसके बाद आक्रोशित महिलाएं जब सीएमओ ऑफिस घेरने के लिए सीएमआर मार्ग पर जाने लगी तो सिविल लाइंस फाटक पर पुलिस द्वारा प्रदर्शनकारी महिलाओं को रोका गया, जहां झड़प हुई और उसके बाद फिर जो कुछ महिलाएँ नीचे गिर कर चोटिल होना बताया जा रहे हैं, फिलहाल उन्हें अस्पताल पहुँचाया, वो उपचाररत हैं। इस पूरे घटनाक्रम के बाद भाजपा द्वारा प्रदेश की गहलोत सरकार पर तानाशाही के आरोप भी लगाए हैं। हालांकि पुलिस द्वारा बताया जा रहा है कि वे जबरन सीएमओ ऑफिस की तरफ बढ़ रही थी उनके पुलिस की तरफ से सिर्फ उन्हें रोकने के प्रयास किए गए हैं, लेकिन जो भी था वो पूरा मामला अपने लाइव वीडियो के माध्यम से हम आप तक पहुँचाने का प्रयास किए हैं। आप जुड़े रहे जयवर्धन न्यूज़ के साथ। धन्यवाद।